मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड सीएससी। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड सीएससी। यूपीएससी सीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ये ऐसी तैयारी है जिसके लिए आपको कंटिन्यू आपको दो साल मिनिमम डेढ़ से दो साल तो आपको मेहनत करना ही है। उस डेढ़ से दो साल के बीच में कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं, कितने हर्डल्स आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, वो आपको सारा क्रॉस करके आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का क्या इम्पोर्टेंस है, हम वो आप आज जानेंगे। सबसे पहले है वन टू वन मेंटरशिप एंड गाइडेंस। वन टू वन मेंटरशिप एंड गाइडेंस मतलब हम इंडिविजुअल बच्चे को हम गाइड करते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको मोटिवेट रहना है एक डेढ़ साल से दो साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग पर्सनलाइज्ड यूपीएससी स्ट्रेटजी। यूपीएससी स्ट्रेटजी का प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप प्लान बनाएंगे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करे, उसके बाद यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई करे और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। उस पूरे सिलेबस को कवर करना एक स्मार्ट तरीके से, आपको किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करेंगे कि आप पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे, जिससे कि आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी कवर कर सके, मेंस भी कवर कर सके एंड इंटरव्यू भी कवर कर सके। नेक्स्ट है हेल्प एस्पायरेंट्स टू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट दियर यूपीएससी जर्नी। हालांकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि 3 से 4 महीने का तैयारी से आपकी क्लियर हो जाएगा एग्जाम। इसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, एक 1.5 to 2 years तक आपको मोटिवेट रहना है। डेढ़ साल से दो साल तक मोटिवेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अपने दोस्त के बीच में रह रहे हैं, अगर आप पीजी में रह रहे हैं, पीजी में आपका दोस्त कोई बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट पहले हो गया, आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो आप डीमोटिवेट फील करने लगते हैं, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, आप ये सोचने लगते हैं कि नहीं मुझे भी बैंकिंग करना, पहले मैं दूसरी जॉब लूँ उसके बाद फिर से मैं यूपीएससी का तैयारी करूँगा। तो इस तरीके से डाइवर्जन ना हो, इसके लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको मोटिवेट रहना है यूपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव सेशन विद मेंटर्स इन रेगुलर इंटरवल्स। इंटरवल्स के दौरान हम इंटरैक्ट करते रहते हैं मेंटर्स के द्वारा कि किस बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कहीं कहीं ऐसा प्रॉब्लम होती है जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है एकेडमिक डाउट। एकेडमिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, जैसे आपने पढ़ा कोई भी टॉपिक पढ़ा क्लास में, आपको सारा कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब आप रिविजन कर रहे हैं वहां भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप वो भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस इन नोट्स मेकिंग जीएस एंड करेंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट होते वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है, कौन कैसे नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत अलग अलग लोगों से गाइड लेते हैं, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उनको गाइड करते हैं, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एक टॉपिक के लिए हमको कितनी सारी बुक पढ़नी होगी। लेकिन यहाँ आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत एक सटीक सा गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं और कैसे आपको करेंट अफेयर को तैयार करना है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे न्यूज़पेपर को स्टैटिक से, करेंट अफेयर को स्टैटिक से रिलेट करके आप नोट्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प एस्पायरेंट्स इन इफिशियंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, कैसे किस टॉपिक को कितना टाइम देंगे आप, कैसे अपने डेली लाइफ से आप बैलेंस कर पाओगे अपनी स्टडी को,
क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको दिन रात पढ़ाई करना है, ऐसे करो करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको उस अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है, अपने हॉबी पे भी टाइम देना है, सोसाइटी में रहकर भी काम करना है, क्योंकि आप यूपीएससी के तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी के बाद आपको सोसाइटी के बीच में रहकर उनके लिए काम करना है। अगर आप एक बंद कमरे में बैठकर तैयारी करते हैं, आपको सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, तो आप जब फील्ड में जब आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको स्टार्टिंग से ही तैयार रखना है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी आपकी तैयारी के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी सिखाती है, आपकी ट्रेनिंग यूपीएससी की तैयारी से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग गाइडेंस। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कंक्लूजन क्या लिखें, वे फॉरवर्ड में क्या लिखें, मैपिंग कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट को पढ़े हुए होते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट क्यों आएगा, क्योंकि आपका आंसर राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो लोगों से, थोड़ा सा अच्छा हो, इनरिच किया हो, आपने मेहनत किया हो, उसमें डेटा डाला हो, पाई चार्ट डाला हो, और किस तरीके से आपका इनोवेशन उसमें दिखना चाहिए, प्रैक्टिकली आप सोच पा रहे हैं या नहीं, तो उस तरीके से आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, वो आपको सारा मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है काउंसलिंग सपोर्ट। बहुत सारे बच्चे एग्जाम के दौरान एंजाइटी डिप्रेशन से बहुत गुजरते हैं, तो उनको किस तरीके से आपको मोटिवेट रहना है, हम आपको काउंसलिंग देंगे, 1-to-1 आपको काउंसलिंग देंगे, और ये जो आपको काउंसलिंग देंगे, जो भी आपको मेंटर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो खुद एक्सपीरियंस्ड होते हैं, खुद यूपीएससी के एग्जाम में अपियर हो चुके होते हैं, इंटरव्यू सीटर होते हैं, तो वो सारे ये सारे फेज से गुजर चुके होते हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, ठीक है। तो ये आपको सारा कुछ गाइड किया जाता है। इसके लिए योजना आईएएस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज होगा, हाइब्रिड मोड पे होगा। हाइब्रिड मतलब कि अगर आप ऑफलाइन में आकर टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आकर टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन में आने में असमर्थ है, नहीं आ सकते ऑफलाइन में, तो आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। प्रीलिम्स का टोटल टेस्ट 40 होते हैं, जिसमें 20 टेस्ट आपका सेक्शनल होगा एंड 20 टेस्ट फुल लेंथ होगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट मतलब कि कोई टॉपिक आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है, जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी आपका कंप्लीट हो गया तो आपको पॉलिटी से रिलेटेड टेस्ट होगा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर टेस्ट लेते हैं। इस तरीके से सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट का हम सेक्शनल वाइज पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट में हम आपका जब आपका सिलेबस 85-90% कवर हो जाता है तो हम आपका फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। उसमें आपका जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस एंड करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पे हम आपका फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। अब आते हैं मेंस। मेंस का टेस्ट होगा टोटल 24, जिसमें 12 सेक्शनल होगा, 8 फुल लेंथ होगा और 4 टेस्ट होगा जो एस्से का होगा। इसके साथ ही हम आपको मेंटरशिप प्रोग्राम भी गाइड प्रोवाइड करवाएंगे। आप जो भी मैंने आपको बताया ये सारे चीजें उसमें इंक्लूडेड रहेगा, आपको हर समय गाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे टेस्ट ही अगर आप दे रहे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं, मेंस का टेस्ट दे रहे हैं, इसमें आपको कैसे अपने मार्क्स को और भी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कभी कभी होता है जो टॉपिक दिया हुआ होता है उस टॉपिक को हम पढ़कर तो आते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ 100 में से हमसे 30 या 40 के आसपास ही मैक्सिमम 30-40 क्वेश्चन ही बन पाता है। तो क्यों बन पाता है, क्योंकि उसी टॉपिक से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमसे 30-40 क्वेश्चन ही क्यों बन पा रहे हैं 100 out of 100। तो आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस पॉइंट को आपको आगे रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए आपकी पढ़ने की, वो आपको सारा गाइड किया जाएगा, ताकि आपका टेस्ट में भी अच्छा नंबर आए और आपका फाइनल एग्जाम में इससे हेल्प मिले, ठीक है। ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 2nd of December 2023 से,
2 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। एवरी सैटरडे एंड संडे को टेस्ट होगा। एवरी सैटरडे एंड संडे मतलब कि सैटरडे को प्रीलिम्स का टेस्ट होगा एंड संडे को मेंस का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप योजना आईएएस आइए और ज्वाइन कीजिए। अभी आपका यूपीएससी का एग्जाम 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है, साथ ही मेंटरशिप प्रोग्राम भी जरूरी है। तो आप ज्वाइन कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।